हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे आप सब लोग? अब आज हो रही है बिग बिलियन सेल चालू फ्लिपकार्ट पे, तो देखते हैं कि आईफोन के रेट कितने नीचे डाउन हो सकते हैं। लेकिन मुझे तो लग नहीं रहा कि नया 15 लॉन्च होने के बाद आईफोन के रेट नीचे डाउन होंगे, क्योंकि ये सब कुछ स्कैम होता है फ्लिपकार्ट का। अगर स्कैम नहीं करेंगे तो भाई इनकी मार्केट वैल्यू कैसे बनेगी? तो लेट्स चेक द आईफोन ड्रॉपिंग प्राइस। फ्लिपकार्ट पे आईफोन 14 के जो ड्रॉपिंग प्राइस थे वो सीरियसली बहुत शॉकिंग थे। यहाँ पर तो दिख रहा है कि 52,000 रुपये का, लेकिन जैसे ही आप स्क्रॉल को क्लिक करोगे तो आपको प्राइस फाइनली प्राइस जो नज़र आएंगे वो आएंगे 57,000 रुपीज़। यानी कि यार ये भी कोई गलत डील नहीं है। अगर आप कोई नया फ़ोन भी लेगे तो यार वो 80,000 का होगा, तो आपको 30,000 बिल्कुल डिस्काउंट हो रहा है, तो आप ये डील ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि अमेज़ॉन पे ये डील कैसी चल रही है, क्योंकि फ़्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की डील दोनों डिफरेंट डिफरेंट डील होती है, लेकिन अमेज़ॉन वाले जो हैं क्या अपर वेरिएंट पे डील नहीं देते, तो ये दे रहे होंगे सीधे सीधे आईफोन 13 पे डील, ना ही कि 14। ये आईफोन 13 है, सिर्फ 14 नहीं है। 13 आ रहा है 48,999 रुपये का। फ्लिपकार्ट पे आईफोन 13 आ रहा है, फोन 13 कितने का? यानी कि भाई अमेजोन पे ज़्यादा सस्ता है। गाइज, अगर आप भी हैं रात में ड्राइव करने के शौकीन, तो यार अपनी जर्नी को सीधे सीधे रात को ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सारी जर्नी स्मूथ बनती जाएगी और आपको ड्राइव करने में भी मज़ा आएगा। तो अभी हम रुके हैं शिवा ढाबे पे, और मुराद अब्बास से शिवा ढाबा सिर्फ मैंने 1 घंटे में लगा दिया। अभी लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने लिए चाय और पनीर के पकौड़े। इसके बाद हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। हाँ, हम जा रहे हैं श्री खाटू श्याम जी के दरबार, जो कि बहुत दिनों से प्लान बन रहा था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। कहते हैं कि उसकी बिना इजाज़त के तो कोई पंजा भी पर नहीं मारता। तो आज हमारा बुलावा आया और पहुंच रहे हैं हम श्री खाटू श्याम जी। रात में हाईवे जितना खूबसूरत होता है उतना डेंजर भी होता है। अभी हम हैं पलवल एक्सप्रेस वे पे, और हमारी गाड़ी के आगे एक गाड़ी जा रही है जिसने किसी चीज़ को कुचला, लेकिन बाद में पता चला वो किसी चीज़ और कोई नहीं, एक लड़की की लाश थी। इमेजिनेशन कर सकते हो कि यार एक लड़की की लाश है और उस पर बस जा रही है, ट्रक जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी तो वहीं ख़त्म हो गई यार, कौन पहचानेगा, एक एक्सीडेंटल केस हो गया ये तो। लेकिन ये लड़की की लाश यहाँ पर आई कैसे? तो लड़कियां लड़कों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके यार नाइट ड्राइव पे निकल जाती हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं करते तो भाई वो लड़के उनका मर्डर कर देते हैं, और मर्डर करने के बाद लाश को डाल दिया होगा हाईवे पे, जिससे कि वो बच निकले। और जाहिर सी बात है वो बच भी निकले होंगे, क्योंकि अभी तक तो अगर पुलिस होती यहाँ पर, बहुत सारी एम्बुलेंस होती, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये सब देखने के बाद हम पहुँचे श्री खाटू श्याम जी के दरबार, और हम यहाँ पर देखते हैं कि यार बहुत से श्रद्धालु, जितने सारे भक्त हैं, कुछ नीचे रगड़ते हुए जा रहे हैं, कुछ भागते हुए जा रहे हैं, किसी के हाथ में झंडे हैं। तो हमारा तो ये फर्स्ट टाइम था, हमें नहीं पता था कैसे जाना है, लेकिन आगे चल चल के सब कुछ गाइडनेस मिल जाती है। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, कराते हैं आपको श्री खाटू श्याम जी के दर्शन और बताते हैं हम मुरादाबाद से यहाँ पर कितने समय में पहुँच चुके हैं। आगे ले लें, लाखों बार ये गेट मेरे रील में कई बार आ चुका था, लेकिन आज फाइनली मेरी आंखों के सामने है। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव फील हो रहा है। आप इस गेट के सामने कब आए थे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपकी ये नेक्स्ट ट्रिप कब होगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए।
पता नहीं था कि यहाँ के दर्शन इतने आसान नहीं है, यहाँ पे इतनी सारी भीड़ होती है। लेकिन लकली यार मेरे को एक VIP लाइन में किसी ने लगा दिया और हमारे दर्शन इतने अच्छे हुए कि आपको आगे चल के पता ही चल जाएगा। हम VIP लाइन में, चलो। हाँ, नहीं, ये VIP लाइन। हाँ बिल्कुल, इसी प्रकार हमारे होते हैं दर्शन पूरे और दर्शन करने के बाद हमें मिला बहुत ज़्यादा सुकून। आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप कब बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें बिना, बिल्कुल भी मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री।